Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Jule namaste sasriyakal. So today in this episode we are going to talk about the book A Journey in Ladakh, which is written by Andrew Harvey. So the most important point about this book is the most important fact about this book is that it is written in 1983, which is in post-colonial period. So Andrew Harvey is a post-colonial writer. So not in the way that he is a post-colonial writer. So he is a post-colonial writer because he has written this particular book in the post-colonial period. क्योंकि बहुत ही फर्क होता है एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर या एक पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में. तो एज ए पोस्ट कॉलोनियल राइटर नहीं, ये एज ए पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में जो लिखा गया है उनके बारे में है. तो एंड्रयू हार्वे खुद ही एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, बहुत ही बड़ा राइटर है. आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एंड्रयू हार्वे के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा. तो एंड्रयू हार्वे वॉज बोर्न इन Coimbatore in Tamil Nadu. So in 1952 he was born in a region of Tamil Nadu. So he is a British author, religious scholar and a teacher of mystic traditions. और साथ ही साथ उसने 30 से भी ऊपर बुक लिखे गए हैं. तो ये जो पार्टिकुलर बुक है ये 1983 में लिखा गया था और बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल एक्लेम्ड राइटर है, स्कॉलर है. उनके कुछ बुक जो ज़्यादा ही वेल एक्लेम्ड और फेमस हो गए हैं उनके नाम है द होप, अ गाइड टू सेक्रेट एक्टिविज्म, द डायरेक्ट पाथ एंड द वेल एक्लेम्ड, क्रिटिकली एक्लेम्ड बुक दैट इज द वे ऑफ पैशन, अ सेलिब्रेशन ऑफ रूमी. जो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी थे, 13th सेंचुरी के एक बहुत ही बड़े पोइट, बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं जिनसे शायर मशरक अल्लामा अकबाल रहमतुल्ला भी बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं उनके शायरी से, उनके सोच से, उनके फिक्र से. तो एंड्रयू हार्वे ने ये जो बुक लिखा है ये 1983 में लिखा है और इन बुक का जो टाइटल रखे ए जर्नी इन लद्दाख. तो इस बुक के बारे में आज मैं सिर्फ यहाँ पे एक एपिसोड के बारे में ही बात करूँगा जिसे कि कारगिल एपिसोड, कारगिल को उन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है. तो हालांकि इस बुक को अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़े पब्लिशर्स ने, बहुत ही बड़े जैसे कि ऑब्जर्वर्स है, वाशिंगटन पोस्ट है और जॉफरी मूर हाउस ने है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से इस बुक को सहारा है. जैसे कि ऑब्जर्वर लिखते हैं ए लवली ट्रेवल बुक, दिस टेस्टामेंट ऑफ अ जर्नी. सो वाशिंगटन पोस्ट बोलते हैं इनको, लिखते हैं एक्सेप्शनल. एंड जॉफरी मूर हाउस लिखते हैं द बुक ऑफ एक्सटेसी एज वेल एज ट्रेवल. तो ये उनके, इनके बारे में बहुत ही खूबसूरत बुक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है एंड्रयू हार्वे का. मैंने तो इस तरह से पाया कि एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी जिसमें एक हीरो होता है, वो जो अपना जो डेस्टिनेशन होता है, फाइनल डेस्टिनेशन, उनके ऊपर, उनके पास जाने से बहुत ही पहले कतराता है, अपना ही कुछ, अपना ही रीजंस दे के उनको टाल देता है. बहुत सारे लोग उनसे कहते हैं कि चले जाना चाहिए, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू नो, इफ़ यू वांट टू फाइंड योर सेल्फ यू हैव टू गो टू लद्दाख इन ऑर्डर टू यू नो रिलीव दैट स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ट्रू यू नो टिबेटन सोसाइटी एंड टिबेटन कल्चर एंड द ट्रू बुद्धिस्ट कल्चर. तो ये सारे कहते हुए जो श्रीलंका में भी जाके कुछ उनके बहुत ही बड़े कुन करेक्टर से मिलते हैं, दिल्ली में भी आके मिलते हैं, इवन कि ऑक्सफोर्ड में भी वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में, फिर आखिरकार वो लद्दाख आना ही होता है. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है. जब हम, मैंने पहले ही कहा था पहले एक दो एपिसोड्स में, देयर आर टू वेज ऑफ यू नो रिप्रेजेंटिंग अ प्लेस और अ कल्चर और अ पीपल, दैट इज़ यू नो द कॉलोनियल विजन एंड अ कॉस्मोपोलिटन विजन अकॉर्डिंग टू डेबी लायल. सो जो कॉलोनियल विजन होता है उसमें हमेशा बाइनरीज में ही दिखाया जाता है और जो कॉस्मोपोलिटन विजन होता है उसमें बाइनरी में कुछ नहीं दिखाया जाता है, गुड बैड नहीं होता है उसमें. द यू नो राइटर रादर सेलिब्रेट्स और जो वो इनकाउंटर्ड जो कल्चर है, पीपल है, प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये भी एक ओरिएंटल राइटर का एक कला है. द फ्लिप साइड, जो सारा मिल्स कहते हैं, द रोमेंटिसाइजिंग द अदर इज द फ्लिप साइड ऑफ द कॉलोनियल राइटर्स. तो ये एक फ्लिप साइड हमें देखने को मिलता है एंड्रयू हार्वे के इस बुक में. तो ये सारा बुक
एक तरफ जिसमें पूरा लद्दाख के बारे में लिखा गया है, लद्दाख मीन्स यहाँ पे लेह के बारे में बहुत बढ़िया तरह से लिखा गया है, बुद्धिज्म के बारे में लिखा गया है, लामास के बारे में लिखा गया है, उसका जो स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया, जो हमने पहले जो मैंने जो मेरा जो सेकंड जो वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कोले लेम्बार्ड के अ ट्रिप टू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें उसने जिस तरह से ओरिएंटलाइज किया था, जिस तरह से नेगेटिव मैनर में लामास को रिप्रेजेंट किया था, मोनेस्ट्रीज को रिप्रेजेंट किया था, जिस तरह से उन्होंने फोक सॉन्ग्स को, फोक डांस को वहाँ पे जो हेमिस फेस्टिवल में जो उसने विटनेस किया था डेविलिश करार दिया था। और इसमें मैं एंड्रू हार्वे बहुत ही खूबसूरत पाता है, एक एक, एक, एक टीचिंग जो डांस को एस ए टीचर जिस तरह से अपने इनर साइकी के बारे में हमें बता रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ की बात करूँगा पेज नंबर 18 से जो कारगिल के ऊपर है, हालांकि इतना बड़ा पेजेस इतने सारे पेजेस है उसमें कारगिल का जो एपिसोड आता है वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में ही सीमित हो जाता है और एक ही पैराग्राफ पे ही ख़त्म कर देता है सारा कुछ, कारगिल के बारे में जितना था उतना ही है, लेकिन एक एक पैराग्राफ में बहुत कुछ बता के गया है एंड्रयू हार्वे हमें। तो हम पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं, तो मैं साथ में आप लोगों को भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके एक बार पढ़ लिएगा, तो मैं यहाँ पे अपना एक इमेज भी शेयर कर देता हूँ। तो एक बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि एंड्रयू हार्वे इज अवेयर दैट कारगिल इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, दिस इज अ बिग रिलीफ यू नो। सो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ की बात है कि एंड्रयू हार्वे इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यस कारगिल इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख। सो अब आते हैं तो कारगिल इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन इन लद्दाख आफ्टर लेह, यू हैव टू स्टे द नाइट देयर व्हेन यू गो अप टू लेह ऑन द बस, एक बार एक रात को आपको रुकना पड़ेगा जब आप लेह में बस में जाएंगे तो कारगिल में आप एक बार रुकना पड़ेगा। सो इट इज द पिनेंस द मोर्टिफिकेशन, यहाँ पे थोड़ी देर रुको, इसका हम क्या बोलते हैं इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं, अगर आप लोग इनका मीनिंग जानते हो तो, अगर आप जानते हो तो सॉरी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको मालूम नहीं हो पेनेंस और मोर्टिफिकेशन का। पेनेंस का मतलब होता है पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ एज एन एवर्ट आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस फॉर रॉन्ग डूइंग, एक सेकेंड वर्ड मोर्टिफिकेशन ए सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड शेम कॉज्ड बाई समथिंग दैट वॉन्ट्स वंस प्राइड और सेल्फ रेस्पेक्ट। जो राइटर्स जो वर्ड्स ढूंढते हैं वो ऐसे ही नहीं ढूंढते हैं, बहुत ही डिलिबरेटली वर्ड्स को ला के चुन के अपने बुक्स में लिखते हैं। तो जब एंड्रयू हार्वे को कारगिल में रुकना पड़ा तो वो पेनेंस एंड मोर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको, तो फॉर सो मच वॉन्डर, बहुत ही ये चलो ठीक है रहने देते। सो द वॉल्स ऑफ माई होटल रूम्स लुक्ड एज इफ एक्सक्रीमेंट हैड बीन स्मीयर्ड ओवर देम, एक्सक्रीमेंट हैज बीन स्मीयर्ड ओवर देम, तो मुझे तो लगता है कि आप किसी अस्तबल में ही रुके थे, होटल में तो कभी रुके नहीं थे आप। तो ये इस तरह से बयान करते हैं, तो होटल का जो सारे दीवार में एक्सक्रीमेंट ही एक्सक्रीमेंट लगा हुआ है, देयर वॉज नो बेड, कोई बेड नहीं था, जस्ट वन टेटर्ड मेट्रस इन ए कॉर्नर डांसिंग विथ फ्लीज। तो ऐसा तो जो हाल होता है वो अस्तबल का ही होता है, जो पुर्गी भाषा में दंगरा बोलते हैं, शायद आप किसी दंगरे में ही रुके थे, तो मुझे तो इससे यही लगता है। सो देयर वर थ्री पोस्टर्स इन द रूम, तीन पोस्टर थे रूम में, ऑल विद ए कॉर्नर टोन ऑफ और सम अनइंटेलिजिबल राइटिंग स्क्रॉल्ड ओवर देम। तो ऑब्वियस है जब आपको उसका जो अनइंटेलिजिबल राइटिंग है तो या तो उर्दू में लिखा होगा या तो अरेबिक में लिखा होगा, जो उस तीन में, तो उस तीन में क्या थे, तो बोलते हैं कि वन वॉज मोहम्मद अली ग्रिनी, एक पे मोहम्मद अली ग्रिन कर रहा था, वन वॉज मोहम्मद अली वेविंग हिज फिस्ट ऑन द फेस ऑफ द फोटोग्राफर, वन वॉज मोहम्मद अली लुकिंग वेरी ग्रांड एंड ग्रिम इन ब्लैक सूट विद द काबा टक्ड अवे इन द राइट हैंड कॉर्नर सराउंडेड बाई अरेबिक लेटरिंग एंड स्मॉल पिक्चर्स ऑफ ओल्ड डेरिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद अली का फोटो हर जगह पे लगा हुआ है और एक राइट हैंड कॉर्नर पे है एक खाने काबा का एक टोन इमेज रखा हुआ है। तो मोहम्मद अली आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो बताता चलूँ कि मोहम्मद अली वॉज अ ग्रेट बॉक्सर ऑफ अमेरिका, तो जिन्होंने अपना बाद में, पहले क्रिश्चियन थे बाद में वो मुस्लिम रहे थे बने थे। तो ये तो यहाँ पे एक कारगिल इस मुस्लिम लिखा गया, कारगिल इस मुस्लिम, कारगिल मुस्लिम है, चलो ये तो पोइटिक वे में लिखा होगा।
तो ये भी तो गलत है, कारगिल इज नॉट मुस्लिम मैन, कारगिल इज नॉट अ प्लेस विच बिलोंग्स टू ओनली मुस्लिम्स, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते हैं, वहाँ पे सिक्स भी रहते हैं, हालांकि कम रहते हैं लेकिन सिक्स भी रहते हैं। तो कारगिल डायरेक्ट मुस्लिम्स का है कहना, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, ठीक है। एंड एवरीवेयर देयर आर पिक्चर्स ऑफ द मुस्लिम बॉक्सर प्रॉफिट, और हर जगह पे मुस्लिम प्रॉफिट बॉक्सर, मुस्लिम बॉक्सर प्रॉफिट का है। ये बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। एक तो बात ये है कि इस्लाम में जितने भी सेक्ट है, शिया है, सुन्नी है, बहुत सारे से, देर आर 72, मोर देन 72 ब्रांच ऑफ इस्लाम, और उनमें से किसी के पास भी प्रॉफिट का फोटो नहीं है, किसी के पास भी। और कोई भी ये एक्लेम दावे के साथ नहीं कह सकता है, अगर कोई किसी के पास होगा भी तो ये है प्रॉफिट मोहम्मद, ये इस तरह से देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसी के पास भी फोटो नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो मोहम्मद अली को फोटो, मोहम्मद अली को अगर प्रॉफिट बता रहे हो, तो इस्लाम का भी तो कोई भी सेक्ट मोहम्मद अली को प्रॉफिट नहीं मानता है। वो एक बहुत ही बड़ा बॉक्सर था, बहुत ही उसके बड़े बड़े फैन थे, तो होंगे उस वक्त भी कारगिल में भी तो कहीं जगह पे लगा होगा। तो प्रॉफिट का नाम तो किसी के जबान से, किसी के अकीदे में, किसी की किताब में मोहम्मद अली जो बॉक्सर है अमेरिका के, किसी को नहीं मानता। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही गलत बात यहाँ पे बयान किया है, और साथ में ये लिखा है, तो कोई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोवर्शियल पॉइंट दैट ही हैज रिटन, जो मुझे ये पढ़ के तो काफी ज्यादा दुख हुआ। तो वो ये कहते हैं कि अ लद्दाखी बुद्धिस्ट फ्रेंड सेड टू मी लेटर दैट वेन एवर ही हेटेड एनी वन ही प्रेड दैट दे वुड बी रिबोर्न इन कारगिल। जब भी उसने किसी के साथ नफरत किया है, उसने दुआ मांगा है या उसने दुआ मांगी है कि वो कारगिल में पैदा हो। तो इससे तो एक इन्फर ये होता है कि कारगिल इज रिगार्डेड एज अ हेल, एज ए प्लेस जहाँ पे बिल्कुल कोई भी जाना ही नहीं चाहता है, जहाँ पे इतने टॉर्चरस एक प्लेस है, जहाँ वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता। एक ये बात, और दूसरी बात, जो बुद्धिस्ट का जो नज़रिया है, जो सोच है एक मुस्लिम प्लेस को लेके, सॉर्ट ऑफ जो कारगिल को लेके, वो कितना घटिया सोच है। तो वैसे तो हालांकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं लेह में भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे, मैं उनको भी जानता हूँ, तो और लेह से अलावा भी स्पीति से भी मेरे दोस्त थे। तो जब मैं उनसे बातें करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे साथ जब बातें होती है, तो मुझे तो ये तासुर कभी नहीं हुआ कि दे हेटेड अस एंड यू नो दे डोंट वॉन्ट टू यू नो बी रिबोर्न इन कारगिल एंड यू नो दिस दीज फिल्थी थिंग्स एंड दीज नेगेटिव स्टेटमेंट्स, मुझे तो ये तासुर कभी हुआ नहीं। तो यह क्या ये सच है या गलत है? तो मुझे तो ये, मैं अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे तो ये कभी लगा नहीं, और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक ले वाला इस तरह से कारगिलों के बारे में इस तरह से सोचता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात कही है, जो किताबों के अंदर ही दबा रहता है और हमें पता ही नहीं चलता। अब ये किताब अगर कोई बाहर वाला पढ़ेगा और इस तरह से कारगिल का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो कारगिल में तो क्या रुके, कारगिल में तो रुकने से तो बेहतर तो डर के ही चले जाएंगे। ये देखो कमरून का हालत ऐसा है, लोग इस तरह से बोलते हैं, और आगे चलते हैं, आगे जाके थोड़ा हम बस लास्ट है कि इट वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप इवन इफ आई कुड हैव डन सो ऑन दैट मैट्रस आई रोम द स्ट्रीट्स जस्ट मिसिंग बींग रन ओवर बाई कार आफ्टर कार विदआउट लाइट्स आई वॉक टू द एंड ऑफ द टाउन एंड बियॉन्ड इन टू फ्यू मून लिट फील्ड्स टू लुक लॉन्गिंगली इन टू द वेलीज वी वुड रीच इन द बस टुमारो। चलो यहाँ तक ही रखते। तो देखो वो आखिर में वो मतलब सो भी तो सकता था, लेकिन वो उठ के स्ट्रीट्स पे चले गए, तो स्ट्रीट में वो बार बार बच गए, बार बार कार आके बिना लाइट्स आके यूं यूं करता हुआ जा रहा था। तो ये बहुत ही, ये कहाँ से आता है ये? तो ये तो बहुत ही यू नो सोचने वाली बात है, करगिल में गाड़ी चला रहे हैं लोग बिना लाइट्स के और इतने स्पीड पे, और शायद वो तो चल भी रहा होगा, तो साइड से ही चल रहा होगा, तो ओवर रन करते हुए जाते, बाल बाल बच गए तीन कारों से। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही मुश्किल है, और इस तरह से अगर रिप्रेजेंट, अगर एक सोसाइटी को अगर चलो आप रिप्रेजेंट करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को बिल्कुल ही डिग्रेड करके बयान करो। हालांकि पूरा अगर आप लोग बुक बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बुक लिखा है, बहुत ही इमोशनल बुक लिखा हुआ है, और जिस तरह से मार्को पेलिस ऐसे प्रीस्ट बन के आया था, और बहुत ही उमंगों के साथ, बहुत ही इमोशंस के साथ आके बहुत ही इमोशनल लिखा था, उससे भी दुगना ये बुक है, इतने खूबसूरत इमोशंस के साथ, इतने खूबसूरत
बातों के साथ, एम्बेलिशमेंट ऑफ यू नो सेंटेंसेस, एम्बेलिशमेंट ऑफ वर्ड्स इसमें आप देखेंगे। और लामाज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉर्ट ऑफ रोमेंटिसाइज किया हुआ है। लेकिन इस तरह से करील का इस तरह से रिप्रेजेंट करना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करे, तो ऐसा ही है। तो इसी इसी ही नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।